हमारा टॉपिक है यहाँ पर खाम रियासती घरेलू पैदावार है, ओके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर खाम रियासती घरेलू पैदावार किसको कहेंगे, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो खाम रियासती घरेलू पैदावार से मुराद एक रियासत के जोग्राफियाई हदूद के अंदर, एक रियासत के जोग्राफियाई हदूद के अंदर एक मुतय्यना मुद्दत में यानी एक साल की मुद्दत में पैदा की गई जुमला अशिया और खिदमात की जुमला पैदावार है, तो उसको हम कहेंगे खाम रियासती घरेलू पैदावार। खाम रियासती घरेलू पैदावार मतलब यहाँ पर इसे खाम रियासती घरेलू पैदावार से क्या मुराद है, यहाँ पर किसी भी रियासत के एक जोग्राफियाई हुदूद के अंदर एक मुतय्यना मुद्दत में यानी एक साल की मुद्दत में पैदा की गई अशिया और खिदमात की जुमला कदर है या जुमला पैदावार है जो बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है। बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है मतलब यहाँ पर यानी जो दरमियानी अशिया होती है तो दरमियानी अशिया की कीमत को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, यानी जो दोहरी बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है मतलब बाज अशिया की कीमत को यानी बाज अशिया को यहाँ पर बार बार दोहराया जाता है तो इस तरह से इसमें नहीं किया जाता है। बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है मतलब जो दरमियानी अशिया की कीमतें होती है इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो खाम रियासती घरेलू पैदावार से मुराद क्या बता रहे हैं, यहाँ पर एक रियासत के अंदर यानी किसी भी रियासत में जोग्राफियाई हदूद के अंदर एक मुतय्यना मुद्दत में मतलब एक साल में पैदा की गई जुमला अशिया और खिदमात की कदर को हम कहेंगे यहाँ पर खाम रियासती घरेलू पैदावार जो बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तेलंगाना मईशत में GSDP, ओके, तेलंगाना में GSDP के रुझान, ओके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर GSDP की शरह नमो क्या है, यहाँ पर GSDP की शरह नमो, GSDP की शरह नमो, तो GSDP की शरह नमो यहाँ पर मईशत रियासत की मईशत की कारकर्दगी को जाहिर करती है। GSDP की शरह नमो हम यहाँ पर तेलंगाना मईशत में GSDP के रुझानात को हम देख रहे हैं, तो GSDP की जो शरह नमो है रियासत की मईशत की कारकर्दगी को जाहिर करती है और जो शोभा जाती जो कारकर्दगी होती है तो एक खास मुद्दत में, हम यहाँ पर GSDP की शरह नमो देख रहे हैं तो यहाँ पर रियासत की ये मईशत की कारकर्दगी को जाहिर करती है और शोभा जाती कारकर्दगी क्या किसको जाहिर करेंगी, शोभा जाती कारकर्दगी एक खास मुद्दत में रियासती मईशत में GSDP की शोभा जाती तरतीब को बताती है और इसकी उसत में आने वाली तब्दीलियों को बताती है। तो GSDP की शरह नमो एक तो यहाँ पर रियासत की मईशत की कारकर्दगी को बताती है और जो शोभा जाती कारकर्दगी होती है तो एक खास मुद्दत में रियासती मईशत में GSDP में यहाँ पर शोभा जाती तरतीब को बताती है और इसकी उसत में आने वाली तब्दीलियों को भी बताती है यानी उसको जाहिर करती है। तो यहाँ पर एक मुंदरजा ज़ैल आदात व शुमार को दिया गया है, तो मुंदरजा ज़ैल आदात व शुमार में हम देखेंगे 2011 से 2000 यहाँ पर 12 और 2019 से 20, 2019 से 20 की मुद्दत के दौरान GSDP 2011 से यानी ये जो मुंदरजा ज़ैल आदात व शुमार को यहाँ पर बताया गया है तो 2011 से 12 से 2019 से 20 तक तेलंगाना की GSDP क्या है, तेलंगाना की GSDP, तेलंगाना की GSDP और कुल हिंद GDP को भी जाहिर करती है। यहाँ पर मुद्दत ज़ैल आदत व शुमार को दिया गया है तो 2011 से 12 से 2019 से 20 से तेलंगाना की GSDP और कुल हिंद GDP को जाहिर करती है। तो इसके अलावा ये मुस्तकिल और जो है तो मौजूदा कीमतों की
सालाना शरीरों को भी बताते हैं। इसके अलावा यानी यहाँ पर जो आदाद व शुमार को यहाँ पर बता दिया है, तो हम यहाँ पर जी तेलंगाना मईशत में जीएसडीपी के रुझानात को देख रहे हैं। तो जीएसडीपी के जो रुझानात है उसमें यहाँ पर मुद्दा जज़ैल आदाद व शुमार के जरिए इसको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 2011 से 12 और 19 से 20 की मुद्दत के दौरान तेलंगाना की जीएसडीपी और कुल हिंद जीडीपी के शरह नमो को मतलब उसको जाहिर किया गया है। इसके अलावा मुस्तकिल और मौजूदा कीमतों पर जो है मुस्तकिल और मौजूदा कीमतों पर सालाना शरह नमो को भी बताया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर 2011 से 12 की मुद्दत के दौरान 2012 से 13 और 2019 से 20 की मुद्दत के दौरान 2012 से 13 और 2019 से 20 की मुद्दत के दौरान तक देखेंगे तो यहाँ पर जीएसडीपी की यानी तेलंगाना की जीएसडीपी के शरह नमो मौजूदा और मुस्तकिल कीमतों पर 3% से 3% से बढ़कर 8.2% का इजाफा हुआ। तो यहाँ पर 2012 से 13 और 2019 से 20 की मुद्दत के दौरान तक बता रहे हैं तेलंगाना की जीएसडीपी तेलंगाना की जीएसडीपी मौजूदा और मुस्तकिल कीमतों पर 3% से 8.2% का इजाफा हुआ। और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर 8% जीएसडीपी के शरह नमो को बता रहे हैं, तो 3% से बढ़कर यहाँ पर 8.2% का इजाफा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कुल हिंद जीडीपी को तो कुल हिंद जीडीपी 2013 से 14 और 2014 से 15 की मुद्दत के दौरान अभी हम यहाँ पर तेलंगाना की जीएसडीपी को देखें तो तेलंगाना की जीएसडीपी की मौजूदा और मुस्तकिल कीमतों पर शरह नमो 3% से बढ़कर 8.2% का इजाफा हुआ। और कुल हिंद जीडीपी को हम देखेंगे तो 2013 से 14 और 14 से 15 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो ये यहाँ पर यानी 5.5% से बढ़कर 8.3% का इसमें इजाफा हुआ। तो इसमें कुल हिंद जीडीपी को देखेंगे 2013 से 14 और 14 से 15 की मुद्दत के देखेंगे तो 5.5% से यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर 8.3% का इजाफा हुआ। तो अगर हम यहाँ पर यानी तेलंगाना मईशत की जीएसडीपी का कुल हिंद अगर जीडीपी के कुल हिंद जीडीपी से अगर हम इसका तकाबुल करेंगे तो 2013 से 14 और 14 से 15 की मुद्दत के दौरान ये कुल हिंद सतह से कम है। यहाँ पर ये कुल हिंद सतह से कम है। अगर हम तेलंगाना की जीएसडीपी का कुल हिंद जीडीपी के शरह नमो से अगर हम तकाबुल करेंगे तो ये कुल हिंद सतह से कम है, लेकिन इसके बाद ये कुल हिंद सतह से ज्यादा होती है। तो ये रहा तेलंगाना मईशत में जीएसडीपी और कुल हिंद जीडीपी के जीडीपी में रुझान। अब उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर तेलंगाना रियासत तेलंगाना की जीएसवीए में सालाना औसत शोभावारी शरह नमो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शोभावारी शरह नमो को देखेंगे रियासत तेलंगाना की जीएसवी में सालाना औसत शोभावारी शरह नमो। तो यहाँ पर शोभे में देखिए तीन शोभे और तीसरा है यहाँ पर 40 शोभा। तो यहाँ पर रियासत तेलंगाना के जीएसवीए में देख रहे हैं यहाँ पर हम रियासत तेलंगाना के जीएसवी में सालाना औसत शोभावारी शरह नमो को हम देख रहे हैं। तो इब्तदाई सानवी और सालिसी शोभा जात की शरह नमो यहाँ पर हम इब्तदाई सानवी और सालिसी शोभा जात की शरह नमो मौजूदा और बुनियादी कीमतों पर जुमला इजाफी खदर
बी ए, ठीक, क्रॉस फिर वैल्यू एडेड, ओके। तो जुमला इजाफी कदर की इस्तेला हमें पैमाइश की जाती है। तो यहाँ पर इब्तदाई यहाँ पर शोभा वारी शरे नमो को देख रहे हैं हम, तेलंगाना मईशत में जी एस वी की सालाना औसत शोभा वारी शरे नमो को हम यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। तो इब्तदाई जैसे मईशत में तीन यहाँ पर शोभे पाए जाते हैं, तो रियासत तेलंगाना मईशत में हम शोभों की कारकर्दगी को हम देख रहे हैं। तो इब्तदाई सानवी और सालिसी शोभा है, तो इब्तदाई और सानवी और सालिसी शोभे की शरे नमो मौजूदा कीमतों पर या बुनियादी कीमतों पर देखेंगे तो जुमला इजाफी कदर जी एस बी ए की इस्तलाह में इसकी पैमाइश की जा सकती है। तो ये जो शोभे जात है तो इसमें मुंदरजा ज़ैल, यानी ये जो शोभा जात है तो इसमें मुंदरजा ज़ैल अज्जा शामिल होते हैं। जैसे यहाँ पर इब्तदाई शोभा है, तो इब्तदाई शोभे में देखिए, जैसे इस शोभे में फसलें हैं, ओके, फसलें शामिल होती है, मवेशी पालन है, जंगलात है, कंदक राशि है, सिमकियात है, और मादनियात वो कानकरी और आबी काश वगैरह इस शोबे में शामिल होती है। इब्तदाई शोबे में फसलें हैं, मवेशी है, बागवानी है, सिमकियात है, आबी काश है, मादनियात और सिमकियात मादनियात और वो कानकनी शामिल होती है। अब दूसरा है यहाँ पर सानवी शोभा। तो सानवी शोबे में देखिए, अशिया की तैयारी है, बिजली है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके साथ दीगर इस्तेमाल यानी खिदमात और वो तामीरात वगैरह जो है ये सानवी शोबे में शामिल होती है। और तीसरा रहा सालिसी शोभा। तो देखिए सालिसी शोबे में जैसे इस शोबे में तिजारत है, ओके, इस शोबे में तिजारत है और उसके साथ हम देखेंगे मरम्मती खिदमात शामिल होती है और होटलें हैं, रेस्टोरेंट है, हमलो नकल है, हमलो नकल में जैसे रेलवे हमलो नकल है, सड़क हमलो नकल है, आबी और फिजाई हमलो नकल है और इसकी उसके साथ जिमनी खिदमात है, जखीरा है, मवासिलात इसमें शामिल होती है, मवासिलात है और उसके साथ मालियाती खिदमात है और जायदाद की खरीद व फरोख्त के खिदमात है, घरों की मिल्कियत है और दीगर पेशे वाराना खिदमात और अवामी नज्म व नक़्त और दीगर खिदमात जो है तो ये सालिसी शोबे में शामिल होती है। जैसे सालिसी शोबे में यहाँ पर हम जिसको हम खिदमात का भी शोभा कहते हैं, तो इसमें यहाँ पर जो शामिल होने वाले हैं तिजारत शामिल होंगी, मरम्मती खिदमात इसमें शामिल होंगी और उसके साथ जैसे होटलें हैं, रेस्टोरेंट है, हमलो नकल है और मवासिलात है, जखीरा है और मालियाती खिदमात शामिल होंगी, जायदाद की खरीद व फरोख है, घरों की मिल्कियत है, दीगर पेशे वाराना खिदमात, अवामी नज्म व नक़्त और दीगर खिदमात इसमें शामिल होती है। तो हम ये तमाम शोबों का ये तजिया क्यों कर रहे हैं? तो ये तमाम शोबों का तजिया, ये इन तमाम शोबों का तजिया हमको जो साबिका शोबों की काम की रफ्तार को बताता है और उसके साथ जो मौजूदा यहाँ पर शोबे है उनकी मुतवक्की कारकर्दगी को भी जाहिर करता है। तो हम यहाँ पर शोभावारी शरे नमो तेलंगाना मईशत की शोभावारी शरे नमो को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये शोभा जाती तजिया हम क्यों कर रहे हैं, जो साबिका जो शोबे है उनकी काम की रफ्तार को देख रहे हैं और मौजूदा जो शोबे है उनकी मुतवक्की कारकर्दगी को ये शोभा जाती तजिया जाहिर करता है। तो देखिए यहाँ पर रियासत तेलंगाना में देखेंगे तो GSBA, SBA, रियासत तेलंगाना में GSB को देख रहे हैं हम, तो रियासत तेलंगाना में GSB की मौजूदा और मुस्तकिल कीमतों पर इब्तदाई शोभा, सानवी शोभा और सालिसी शोभे की औसत सालाना शरे नमो को बताता हूँ। यहाँ पर रियासत तेलंगाना में GSBA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, तो GSBA की इस्तेलाह में हम यहाँ पर पैमाइश कर रहे हैं। तो GSBA क्या है? मौजूदा और मुस्तकिल कीमतों पर इब्तदाई सानवी और सालिसी शोबे की औसत सालाना शरे नमो को बताया गया है। तो देखेंगे इसमें इब्तदाई जो शोभा है, ओके, इब्तदाई शोभा है तो इब्तदाई शोबे का 2012 से 13 में देखेंगे तो इब्तदाई शोबे की शरे नमो, ओके, इब्तदाई शोबे की
दरें नमो 2012 से 13 में 21.9% थी, 21.9% थी। इसके बाद में इसमें 2019 से 20 में देखेंगे हम, तो इसमें 15.8% तक इसमें कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर इब्तदाई, यहाँ पर जीएसवी में देख रहे हैं हम, तो इब्तदाई शोबे की जो शरे नमो है, तो इब्तदाई शोबे की शरे नमो 2012 से 13 में 21.9% थी। उसके बाद में 2019 से 20 तक देखेंगे तो इसमें 15.8% तक कमी दर्ज की गई है। अब उसके बाद रहा यहाँ पर सानवी शोभा, तो सानवी शोबे में देखिए, सानवी शोबे के सिलसिले में, ओके, तो सानवी शोबे के सिलसिले में 2012 से 13 सानवी शोभा, तो सानवी शोबे के सिलसिले में 2013 से 14 और 2014 से 15 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो ये इसकी शरे नमो यानी सातवी शोबे की 2013 से 14 और 14 से 15 की मुद्दत के दौरान शरे नमो का मनफी तजुर्बा हुआ है। लेकिन उसके बाद 2019 से 20 में हम देखेंगे तो यहाँ पर मुनासिब शरे नमो रिकॉर्ड की गई यानी 5.3% दर्ज की गई। अब उसके बाद में हम देखेंगे सालिसी शोभा है, तो सालिसी शोभे में देखिए, सालिसी शोभे की शरे नमो 2012 से 13 और 2019 से 20 की मुद्दत के दौरान, ओके, 2012 से 13 और 19 से 20 की मुद्दत के दौरान 18.4% से कितनी हो गई यहाँ पर घटकर 14.1% दर्ज की गई। तो ये रहा शोभा वाली शरे नमो को, हम तेलंगाना मैशत में शोभा वाली शरे नमो को हमने यहाँ पर जायजा लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं रियासत तेलंगाना की खाम जिलाई घरेलू पैदावार, ओके, रियासत तेलंगाना की खाम जिलाई घरेलू पैदावार GDDP, ओके, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ तेलंगाना। तो देखिये यहाँ पर रियासत तेलंगाना की, जैसे हम यहाँ पर खाम रियासती घरेलू पैदावार को देखें, अब यहाँ पर हम रियासत तेलंगाना की खाम जिलाई घरेलू पैदावार को देख रहे हैं। तो रियासती खाम जिलाई घरेलू पैदावार से मुराद यहाँ पर यानी एक मतलब एक मुतय्यना मुद्दत में यानी एक साल की मुद्दत में एक जिले के अंदर, जिले के जोग्राफी हदूद के अंदर पैदा की गई अशिया और खिदमत यानी जुमला पैदा की गई जुमला और मुकम्मल अशिया और खिदमात की माशी कदर को हम क्या कहेंगे यहाँ पर खाम रियासती जिलाई घरेलू खाम जिलाई घरेलू पैदावार कहेंगे यानी एक मुतय्यना मुद्दत में यानी एक साल की मुद्दत के दौरान एक किसी भी यहाँ पर यानी एक जिले में जुमला पैदा की गई अशिया और खिदमात की मजमुई कदर को हम कहेंगे खाम जिलाई घरेलू पैदावार यानी एक साल की मुद्दत के दौरान एक जिले के जोग्राफियाई हदूद के अंदर जुमला तैयार करदा अशिया और खिदमात की यानी मुकम्मल अशिया और खिदमात की माशी कदर है जो बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है उसको हम बोलेंगे खाम जिलाई घरेलू पैदावार, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं तेलंगाना में जिलावारी फीकस आमदनी को, तेलंगाना में जिलावारी फीकस आमदनी को। तो देखिए यहाँ पर यानी तेलंगाना फीकस आमदनी, ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम इन तेलंगाना। तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना रियासत तेलंगाना में, ओके, रियासत तेलंगाना में सोशियो, ओके, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020, ओके, रियासत तेलंगाना के सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020 ने रियासत के 9 मुनजिम 33 जिला की
फीकस आमदनी को जाहिर किया है। रियासत तेलंगाना की सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020 ने रियासत के 9 मुनजिम 33 इजला की फीकस आमदनी को जाहिर किया है। तो इसके मुताबिक फीकस आमदनी में जिला रंगारेड्डी, सरफेरी से, इसके बाद इजला, हैदराबाद, मीरचल और मलकाजगिरी दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। तो मजीद हम देखेंगे, यानी यहाँ पर तेलंगाना में जिलावारी फीकस आमदनी को देख रहे हैं। तो रियासत तेलंगाना के सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020 ने जो है तो रियासत तेलंगाना के 9 मुनजिम यहाँ पर 33 इजला की फीकस आमदनी को बताया है। तो इसके मुताबिक फीकस आमदनी में जिला रंगारेड्डी सरफेस है, इसके बाद इजला हैदराबाद है, मीलचर है और मरकाजगिरी दूसरे और तीसरे नंबर पर फाइज है। अब इसके बाद हम देखेंगे मजीद, अगर हम देखेंगे तो मजीद इजला जैसे रंगारेड्डी है और उसके साथ जिला रंगारेड्डी, हैदराबाद है और मीरचल है, मीरचल और इसमें इसके यानी इसके भी हम अगर 2017 से और 18 के यहाँ पर देखेंगे, जायजा लेंगे 2015 से 16 ओके और 2017 से 18 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो ये रियासत की फीकस आमदनी से बहुत ऊंची है। तो यहाँ पर हमको सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020 में हमको फीकस आमदनी को बताया गया है, फीकस आमदनी को जाहिर करा है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर जिला रंगारेड्डी देखेंगे तो सरफेरी है, उसके बाद में यहाँ पर जिला हैदराबाद है, मीरचल है और मलकाजगिरी जो है तो दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मजीद हम अगर इसको देखेंगे तो जिला रंगारेड्डी है, मीरचल है, मलकाजगिरी है और उसके साथ संगारेड्डी की यानी 2015 से 16 और 17 से 18 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो इसकी फीकस आमदनी रियासत की फीकस आमदनी से बहुत ऊंची होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज की क्लास में देखा है कि खाम रियासती घरेलू पैदावार को देखे हैं। तो खाम रियासती घरेलू पैदावार GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहेंगे, और उसके साथ तेलंगाना मईशत में GSDP के शरे नमू को देखे, तेलंगाना मईशत में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखे और कुल हिंद GDP का भी हमने यहाँ पर जायजा लिया है। तो उसके साथ रियासत तेलंगाना के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में भी हम शरे नमू का जायजा लिए हैं और शोभावारी देखे, यानी इब्तदाई, सानवी और सालिसी शोबे के यहाँ पर शरे नमू को हमने देखा है और उसके साथ रियासत तेलंगाना की खाम जिलाई घरेलू पैदावार को हम देखा है और रियासत तेलंगाना की जिलेवारी फीकस आमदनी को हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि खाम रियासती घरेलू पैदावार किसको कह रहे हैं। तो खाम रियासती घरेलू पैदावार मतलब यहाँ पर इससे मुराद क्या है, एक मुतायना मुद्दत में यानी किसी भी रियासत में एक मुतायना मुद्दत में मतलब एक साल में पैदा की गई अशिया और खिदमात की मजमू कदर होती है, यानी मजमू पैदावार होती है जो बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ रियासत के अंदर यहाँ पर खाम घरेलू पैदावार को देख रहे हैं। तो रियासत के अंदर ही जो अशिया और खिदमत पैदा की जाती है उसके यहाँ पर अशिया और खिदमत की जुमला कदर को यहाँ पर हम जो रियासत के अंदर पैदा की जाती है उसको हम खाम रियासती घरेलू पैदावार कहेंगे। और तेलंगाना मईशत में जैसे हमने GSDP के रुझान को देखा है तो तेलंगाना मईशत में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर तेलंगाना मईशत में GSDP की शरे नमू को देखे हैं। तो GSDP की शरे नमू के साथ हमने कुल हिंद GDP के शरे नमू का भी जायजा लिया है। तो हमने इसमें देखा कि किस तरह से यहाँ पर 2011 से 12 और 19 से 20 की मुद्दत के दौरान तेलंगाना मईशत में GSDP की शरे नमू और कुल हिंद GDP के शरे नमू को हमने यहाँ पर देखा है। तो अगर हम देखेंगे 2013 से 14 और 14 से 15 की मुद्दत के दौरान देखेंगे तो GSDP की जो शरे नमू थी यहाँ पर वो कुल हिंद GDP के शरे नमू से यहाँ पर बहुत ही कम थी, और लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे तो ये कुल हिंद सतह से ज्यादा रही है।
उसके साथ देखा हमने रियासत तेलंगाना के जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में हमने सालाना औसत शोभावारी शरेनमो को देखा है। तो यहाँ पर शोभे के लिहाज से यहाँ पर रियासत तेलंगाना मईशत में शोभावारी शरेनमो को औसत सालाना शरेनमो को देखा है मौजूदा और मुस्तकिल कीमतों पर। तो हमने यहाँ पर तीन शोभों का यहाँ ने जायजा लिया है, इब्तदाई, सानवी और सालिसी शोभा। तो इब्तदाई शोभे में जैसे यहाँ पर जो शामिल होते हैं फसलें हैं और उसके साथ फसलें को है मवेशी पालन है, बागबानी है, सिमकियात है और मादनियात वो कानपनी वगैरह इसमें शामिल होती है। और सानवी शोबे को देखा तो सानवी शोबे के सिलसिले में हमने यहाँ पर उसका जायजा लिया है, तो इसमें अशिया की तैयारी है और बिजली है, गैस है, गैस वगैरह और दीगर जो तामीरात वगैरह शामिल होती है वो सानवी शोबे में शामिल होती है। और तीसरा जो है खिदमात का शोबा है, सालिसी शोबा है, तो इसमें तिजारत है और उसके साथ मरम्मती खिदमात है, उसके साथ हमने देखेंगे मरम्मती खिदमात है और उसके साथ हमने देखा यहाँ पर जैसे जायदाद की खरीद व फरोख्त है, मालियाती खिदमात है, घरों की मिल्कियत है और पेशेवार दीगर पेशेवाराना खिदमात है, होटल है, रेस्टोरेंट वगैरह इसमें शामिल होती है। तो इस तरह से हम सानवी शोबे में भी यहाँ पर शरे नमू को देखे हैं। और तीसरा रहा है खिदमात का शोबा है, तो खिदमात के शोबे में खिदमात के शोबे को अभी हमने यहाँ पर देखा है। तो किस तरह से यहाँ पर शोभावारी शरे नमो को हमने इसका जायजा लिया है। तो उसके बाद में हम देखेंगे रियासत तेलंगाना की खाम जिले घरेलू पैदावार को देखा है। तो एक मुतय्यना मुद्दत में यानी एक साल की मुद्दत में हमने एक जिले के जोग्राफियाई हदूद के जोग्राफियाई हदूद के अंदर तैयार करदा मुकम्मिल अशिया और खिदमात की माशी कदर होती है जो बगैर दोहरी गिनती के शुमार की जाती है। तो इस और उसके साथ हमने देखा यहाँ पर तेलंगाना में जिलावारी फीकस आमदनी को देखे। तो तेलंगाना में जिलावारी फीकस आमदनी में यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020 है। तो यहाँ पर हुकूमत तेलंगाना ने सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020 में 9 रियासत के 9 मुनाजिम 33 इजला की यहाँ पर फीकस आमदनी को बताया है। तो ये फीकस आमदनी को जो बताया है तो इसमें यानी इसके मुताबिक हम देखेंगे तो फीकस आमदनी में जिला जो है तो रंगारेड्डी सरफिर है, उसके बाद इजला हैदराबाद है, मीरचल है और मलकाजगिरी है। और अगर हम मजीद अगर हम देखेंगे तो इसमें मजीद इजला रियासत तेलंगाना की इजला जैसे रंगारेड्डी है और इजला हैदराबाद है, मीरचल है, मलकाजगिरी है और संगारेड्डी की फीकस आमदनी 2000 यहाँ पर हमने 15 से 16 और 17 से 18 की मुदत के दौरान देखा। तो यहाँ पर ये रियासत की फीकस आमदनी से बहुत ऊंची होती है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा है कि खाम रियासती घरेलू पैदावार को देखा है और खाम जिलाई घरेलू पैदावार को हमने देखा है और तेलंगाना मईशत में जीएसडीपी और कुल ही जीडीपी के शरे नमू का जायजा लिया है। और उसके साथ तेलंगाना मईशत में जीएसवीए की यहाँ पर औसत सालाना शोभावारी शरे नमू को दी है और तेलंगाना में जिलावारी फीकस आमदनी का हमने यहाँ पर जायजा लिया है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। शुक्रिया। ఆ చదువులమ్మా నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవిత